जो कुछ भी होने वाला है, जो सबके सामने आने वाला है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। सच के पीछे झूठ छुपा हुआ है और झूठ के पीछे सच। ये आंख मिचौली यहाँ सब खेल रहे हैं। जतिन बेटा आ जाओ, रोटी ठंडी हो रही है। तुम्हारे पापा का फोन आया था, पूछ रहे थे कि 12वीं की पढ़ाई के बाद तुम सियापुर में पढ़ोगे या किसी बड़े शहर जाना है तुम्हें। वैसे तुम्हारा इरादा क्या है? यहाँ हर किसी के दो चेहरे हैं। अरे यार पापा, मैं नई बाइक के लिए थोड़ी ना मांग रहा हूँ। जिद नहीं अक्षय, जिद नहीं। तेरी 10वीं के रिजल्ट्स के बाद इस बार तो पास होगा ना तू? पापा मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना, लेकिन रिजल्ट तक वेट नहीं कर सकता मैं। सेकेंड हैंड बाइक है और डिस्ट्रेस सेल में ना 30 की मिल रही है और सिर्फ 4 महीना चली है बाइक। आप बात ही नहीं समझ रहे मेरी। मेरा दोस्त अक्षय ये भी मुखौटा पहनता है, जैसा दिखता है वैसा ये है नहीं। मेरा दोस्त विशाल इसकी भी सेम स्टोरी है। विशाल वो चारों की चारों कुर्सियां आज ही डिलीवर होनी है। जानता हूँ पापा, उसी में लगा हुआ। हो गया, ये ले बिल। और हाँ, डिलीवरी के बाद सीधे वापस आना, बहुत सारे काम पूरे करने हैं। अरे सुन रहा है? हाँ हाँ आ जाऊंगा। रोहित इसका भी वही हाल है, दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग। मम्मी मैं स्टडी कर रहा हूँ ना, भावना को बोलो ना धनिया पत्ता लाने को। अरे मम्मी मैं अभी अभी लौटी हूँ स्कूल से और मैंने तो सारे कपड़े फोल्ड किए हैं। आप ना आदर्श भैया को बोलो जाने के लिए, मैं दोबारा बाहर नहीं जाने वाली। भावना, आदर्श, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा ड्रामा क्या बना दिया तुम दोनों ने? तो फिर एक काम करो, पापा को बोलो ऑफिस से लौटते वक्त ले आए। आदर्श, हम सब में सबसे अव्वल नंबर इसी के आते, पर सिर्फ स्कॉलर नहीं कुछ और भी है ये जो कोई नहीं जानता। अक्षय पर यार नाम है लड़के का। सर जी गायब है या भाग गया? गायब है। कल सुबह 11 बजे घर से निकला नंदपुर में किसी से सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए। लड़का भी नंदपुर का है क्या? लड़का सियापुर का है। घर से 30,000 कैश लेकर निकला फिर लौटा ही नहीं। क्या बात है सर जी, 30 में बाइक? या तो बाइक की हालत खस्ता होगी या बेचने वाले की। इस वक्त तो इसके माँ बाप की हालत खस्ता है। आशीष लग जा काम पर तुरंत। सर हम कह रहे ना, कल अक्षय हमसे मिला था, मुझसे और आदर्श से। सर हम दोनों जतिन के घर के बाहर बैठे थे तब अक्षय वहाँ आया था। कल रात जब अक्षय के पापा उसे ढूंढते हुए आए थे तभी हमने अंकल को भी बोला कि अक्षय आया था। पर बेटा अक्षय ने तो कहा था कि वो तुम दोनों के साथ ही बाइक लेने के लिए जा रहा है। आंटी अक्षय हमसे मिला था, उसने हमसे पूछा भी था कि चलना है क्या बाइक लेने, पर हमने मना कर दिया था। अबे जतिन आदर्श, बाइक के लिए ना 30,000 कैश मिल गया। अबे नहीं बे। अबे हाँ बे, ये देख। अबे तेरे पापा ने तुझे अलाउ किया बाइक के लिए? हाँ यार अलाउ तो किया है बे, पर टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया यार। 13, 14, 15, 30,000। हाँ एक बात कान खुल के सुन लो, ये पैसे मैं तुम्हें एक ही कंडीशन पे दे रहा हूँ, इस बार तुमने तुम्हारी 10वीं पास करनी है। हाँ हाँ पापा मैं करूँगा ना, पास करूँगा। और आगे ग्रेजुएशन तक भी पढ़ना है। अरे बोला ना आपको मैं पढ़ूंगा, प्रॉमिस पढ़ूंगा। जा ले तेरी बाइक। थैंक यू पापा। अक्षय एक हेलमेट भी जरूर ले लेना और सुन बाइक स्पीड से मत चलाना। हाँ अरे मेरी मम्मी डार्लिंग आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? अरे मैं बाइक चलाने में ना एकदम एक्सपर्ट हूँ। अच्छा ठीक है, ये बता कौन कौन जा रहा है तेरे साथ नंदपुर बाइक लेने? वो जतिन और आदर जाएंगे और फिर नंदपुर से ना हम लोग एक साथ लौटेंगे ट्रिपल राइड करते हुए। क्यों आ रहे हो ना तुम लोग? अगले हफ्ते से ना मेरे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और तुझे पता है मैंने अभी तक बुक्स भी नहीं खोली है। अबे टेस्ट वेस्ट तो होते रहेंगे, अरे चलना मेरी पहली बाइक है, मस्त मस्ती करके आएंगे वहाँ से हम लोग। अबे जॉइंट स्टडी करनी है यार, मैंने इसको फिजिक्स के 6 चैप्टर समझाने। अबे कैसे दोस्त हो यार तुम लोग, अबे जब बाइक आएगी तो तुम लोग भी चलाओगे ना? तो तू एक काम करना, तू कल का प्लान बना तो हम दोनों साथ में आते तेरे। तू कल का प्रोग्राम कर, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। अबे ओ ये कल करना, माँ बाप करते हैं और देखते हैं जॉइंट स्टडी करके कौन सा टॉप कर लेते हो तुम लोग। चलो ठीक है, फिर मैं विशाल और रोहित से पूछता हूँ। पर विशाल रोहित तुम लोग ये कह रहे हो कि कल अक्षय तुम लोग के पास आया ही नहीं।
हाँ मैम, कल पूरा दिन मैं दुकान पर ही था पापा के साथ। और मैं ढाबे पर ही था मैडम। कल के पूरे दिन मैं अक्षय से मिला ही नहीं, बल्कि किसी भी दोस्त से नहीं मिला। जी मैडम, विशाल सही कह रहा है। कल हम लोग एक डबल बेड बना रहे थे और उस बीच में ये कहीं गया भी नहीं। मैडम जी, हमारा रोहित भी ढाबे पर ही था। अक्षय आया होता तो मुझे पता होता। मैं ढाबे का मैनेजर हूँ और काउंटर पर ही बैठता हूँ। अक्षय नहीं आया मैडम जी। कल रात भर हम सब ने नंदपुर और सियापुर दोनों जगह अक्षय को ढूंढा। अक्षय कहाँ से बाइक खरीदने वाला था? जी पता नहीं, लेकिन एक महीने से पीछे पड़ा था। लेनी है, लेनी है। सर, अक्षय ने कहा था कि वो आदर्श और जतिन के साथ ही जा रहा है बाइक लेने के लिए। पर आंटी, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? जतिन, आदर्श, अक्षय ने तुम दोनों को नहीं बताया कि वो बाइक खरीदने वाला है नंदपुर से, सेकंड हैंड, 30,000 रुपए में? नहीं सर, मुझे तो कभी नहीं बोला। मुझे भी नहीं सर, कल ही पता चला कि वो बाइक लेने वाला है। तुम दोनों, रोहित, विशाल और अक्षय, पांचों जिगरी दोस्त हो। उसने तुम में से किसी को भी हिंट नहीं दिया कि वो बाइक खरीदने वाला है नंदपुर से? नहीं मैम, अक्षय बाइक लेने वाला था ये तो मुझे अभी आपसे पता चल रहा है। हमें अगर पता होता तो हम कल रात को अक्षय के पेरेंट्स को बता देते ना मैडम। सर, सियापुर नंदपुर के दोनों ही सिविल हॉस्पिटल्स और नाइट पेट्रोल्स को चेक किया, कल कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट ही नहीं हुआ। धानपुर भी चेक करो, हो सकता है अक्षय परियार बाइक खरीदने के बाद सियापुर के लिए निकला हो धानपुर की तरफ से, लंबी राइड के लिए। हमारी टीम नंदपुर में पता कर रही है कि अक्षय किससे बाइक खरीदने वाला था। आज शाम तक या कल सुबह तक अक्षय के फोन रिकॉर्ड्स भी हमारे पास होंगे। सर, मुझे अच्छे से याद है, अक्षय ने कहा था कि वो जतिन और आदर्श के साथ ही जा रहा है बाइक लेने। देखिए, हम पता करेंगे कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं या सच, आप उसकी चिंता मत कीजिए। इस वक्त एक सवाल है आप लोगों से मेरा, सच्चे जवाब की उम्मीद करता हूं। क्या अक्षय को बाइक खरीदने के अलावा ये 30,000 रुपए किसी और चीज के लिए भी चाहिए थे? हम क्या जाने जी। आप क्या जाने, तो फिर और कौन जान सके? देखिए, अगर कोई ऐसी बात है जो हमें पता होनी चाहिए और आप लोगों ने अभी तक हमें नहीं बताई है, तो ये सही वक्त है बताने का। इस केस के लिए, आपके बेटे अक्षय के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। मैम, कोई और चीज मतलब? कोई और शौक जिस पे अक्षय पैसे खर्च कर सकता है, जैसे ड्रग्स? नो मैडम, हम तो स्मोक भी नहीं करते। अक्षय की कोई गर्लफ्रेंड? नंदपुर अपने सियापुर से 40 किलोमीटर दूर है। अक्षय वहां कैसे पहुंचा? इससे पहले भी उसका वहां आना जाना होता था? हम तो उसके साथ गए नहीं मैडम, तो हमें कैसे पता होगा कैसे गया होगा? हाँ मैम, मैं भी कभी उसके साथ गया नहीं। मैडम, हम उसके दोस्त जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमें एक दूसरे की सारी चीजें पता हो। पर गर्लफ्रेंड होती तो सबको पता होता ना, गर्लफ्रेंड का मामला कैसे छुपा रह सकता है? छुप तो नहीं सकता मैडम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसने खुद से कभी कुछ बताया नहीं। जी, अभी पुलिस स्टेशन में ही है। भारती, ये हो क्या रहा है वहाँ पे? जतिन का दोस्त है ना अक्षय, वो कल रात से ही गायब है, और उसके माँ बाप का ये कहना है कि अक्षय बाइक खरीदने निकला था ये कहकर कि हमारे जतिन और आदर्श के साथ जा रहा है, जबकि वो दोनों जॉइंट स्टडी कर रहे थे, घर पर ही थे। विशाल और रोहित है ना, वो दोनों भी अक्षय के साथ नहीं गए। बस इसी सिलसिले में पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है जी। भारती, अच्छा देखो, अगर इमरजेंसी है तो मैं छुट्टी लेके आ सकता हूँ। ना ना, मैं हूँ ना, बेकार में आप क्यों सुकुलपुर से यहाँ आएंगे? अच्छा, थाने से निकलो तो जतिन से कहो मुझे कॉल करे। सर, सियापुर, धानपुर, नंदपुर तीनों बस स्टैंड पर छान मारा, तीनों कस्बों के टैक्सी ऑटो वालों से बात की, अक्षय का फोटो घुमाया। किसी ने तो देखा होगा अक्षय को। सर, कल सुबह सियापुर के कुछ लोगों ने देखा, सबका ये कहना है कि वो अकेले था। पहचानता हूँ मैं इस लड़के को, ये हमारे बैंक मैनेजर राजेंद्र जी के बेटे अक्षय है। कल देखा था आपने अक्षय को? हाँ, कल देखा था। किसके साथ देखा था? किसी के साथ नहीं, अकेला जा रहा था। कल रात राजेंद्र जी भी पूछने आए थे, उनको भी मैंने यही बताया था। साहब, अक्षय को तो अकेले ही जाते देखा था हमने, और राजेंद्र जी के साथ तो हम खुद गए थे नंदपुर गांव ढूंढने के लिए उसको। नहीं, ऐसा तो नहीं कि बस या टैक्सी से नहीं गया, पर अक्षय ने हाईवे से किससे लिफ्ट ली नंदपुर तक के लिए? उसकी जेब में 30,000 कैश था, लेकिन सर अभी तक हमारे जोन में कोई भी लूटपाट की वारदात तो रिपोर्ट नहीं हुई है। ये भी तो हो सकता है कि कोई गर्लफ्रेंड वाला मामला हो, हो सकता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं चला गया हो छुट्टी उट्टी मनाने, और फोन बंद करके रखा हो। तो फिर सर, वो आदर्श और जतिन के पास क्यों जाता? क्या उन्हें घसीट रहा था नंदपुर आने के लिए? शायद ड्रामा कर रहा था,
ताकि अलीबाई क्रिएट हो, उसके माँ बाप, हम लोग, सब लोग गुमराह हो। से मेरी चारों दोस्त जतिन, आदर्श, विशाल और रोहित सबसे बात हुई। सबका ये कहना है कि अक्षय का कोई गर्लफ्रेंड वाला मामला नहीं था। सबके बैकग्राउंड निकलवाओ, किसका क्या मामला है सब पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है ये जतिन और आदर्श झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें लगता है कि वो अक्षय के साथ गए थे या कुछ और? पता नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि ये लोग जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। देखो ना, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मैंने एक बार भी उससे पूछा नहीं कि बेटा कौन सी पार्टी है अनंतपुर में जिससे तुम बाइक ले रहे हो। अरे मैं ही चला जाता ना उसके साथ। बोला शीश। सर जी, यहाँ नंदपुर में तीन गैराज हैं, तीनों कह रहे हैं कि कोई भी 4 महीने पुरानी बाइक बिक नहीं रही थी। बस, और तूने मान लिया? अब एक घर घर जाना था ना, नंदपुर कोई कानपुर नहीं है, लाखों लोगों वाला। सर जी, मेरे 4 बंदे घर घर जाकर पूछे हैं, कुछ नहीं निकला। मैं तो कहता हूँ कोई और ही झोल है, फोन रिकॉर्ड से कुछ निकलेगा जरूर। दो बार छाना लेकिन कुछ नहीं निकला। नंदपुर का एक भी नंबर अक्षय के कॉल रिकॉर्ड में फीचर नहीं हो रहा है। और फोन की लास्ट लोकेशन है धानपुर। जी हाँ सर, हमने वहां पर अपनी एक टीम और आशीष खबरी की एक टीम तैनात कर दी है। नंदपुर में अक्षय किसी के साथ भी टच में नहीं था, तो पक्का अक्षय ने अपने घर वालों से झूठ बोला होगा और अपने दोस्तों से भी। सही, चारों लड़कों के कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, जतिन उपाध्याय, आदर्श त्रिपाठी, विशाल साहू और रोहित जायसवाल। सर 6 जून को इन सभी के कॉल लोकेशन यही सियापुर में शो करते हैं, और इनकी आपस में भरपूर बात भी होती है, नॉर्मल है सर। ये अक्षय परिहार जरूर अपने घर से झूठ बोलकर निकला होगा पैसे लेकर, और जो भी इसका प्लान होगा वो शायद वर्कआउट नहीं हुआ होगा, मैं भी फंस गया हूँ। सर, अक्षय के फादर राजेंद्र परिहार बैंक मैनेजर है, माली हालत तो तगड़ी है, ऊपर से अक्षय इकलौता लड़का है। नंदपुर गया ही नहीं, ये कैसे कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा हूं, अक्षय के फोन रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि दोपहर के 2:30 बजे धानपुर में उसका फोन स्विच ऑफ हुआ, और उसके पहले नंदपुर में ना कभी उसका फोन गया है ना वो खुद। हमारी टीम्स ने नंदपुर को अंदर बाहर स्कैन किया, लेकिन कोई भी हमें ऐसा नहीं मिला है जो सेकेंड हैंड बाइक की डिस्ट्रेस सेल कर रहा था। तो अक्षय कहां गया होगा, क्या हुआ होगा? सर इस वक्त तो एक ही एंगल सूझ रहा है, किडनैपिंग। पता रोहित क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं पापा, मैं यही था, आप जानते हैं, और वो अक्षय तो यहाँ आया ही नहीं। इसके अलावा और भी कुछ जानता है तो बता दे अभी भी। विशाल, मैं 6 जून के पहले की बात कर रहा हूँ। अक्षय के गायब होने से पहले कुछ हुआ था जो तू जानता है? नहीं पापा, कुछ नहीं। अक्षय ने कभी बोला ही नहीं उसका बाइक लेने का प्लान है, और ये नंदपुर वाली बात ये तो कभी हुई नहीं थी। देख आदर्श, 3 दिन हो गए हैं अक्षय को गायब हुए, और पुलिस कह रही है कुछ सीरियस बात हो सकती है। और वो अक्षय की मम्मी, वो तो सिर्फ तुम पर उंगली उठाई जा रही है। तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट है मम्मी? पता नहीं ये अक्षय हमारा नाम क्यों ले रहा है, हम दोनों तो वहाँ गए ही नहीं, चुपचाप पढ़ाई कर रहे थे। मैं जतिन को फिजिक्स के कुछ फंडे समझा रहा था, 3 दिन से कुछ पढ़ाई नहीं जा रहा टेंशन के मारे। टेस्ट सर पर है, मेरा गोल था इस बार क्लास को टॉप करूंगा, अब क्या खाक होगा कुछ। आंटी, अब बार बार मेरा और आदर्श का नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि बेटा, अक्षय ने साफ साफ कहा था वो तुम्हारे और आदर्श के साथ जा रहा है नंदपुर बाइक लेने, और वहां से तुम लोग ट्रिपल सीट लौटोगे। काश ये दोनों गए होते, कम से कम एक तो गया होता, तो शायद ये माजरा खड़ा ही नहीं होता। लेकिन आप ही बताइए, जतिन और आदर्श दोनों झूठ क्यों बोलेंगे? आंटी, मैं, आदर्श, विशाल और रोहित, हम चारों मिलकर अक्षय को ढूंढ निकालेंगे और उसे वापस ले आएंगे, फिर पूछेंगे उसे कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला। ये वाला कितना सुंदर लग रहा है ना? सर जी, धानपुर में कई दाने फेंके थे, आखिर एक चिड़िया चुग गई। अक्षय यहाँ की एक ज्वेलरी शॉप में आया था, वो कान में पहनते हैं ना इयररिंग्स। कब खरीदे अक्षय ने? जौहरी बोल रहा था कुछ 6 महीने पहले, और हाँ, अक्षय के साथ कोई और भी था। आशीष मेरो, मैं पहुँच रहा हूँ धानपुर। ये जो आदर्श त्रिपाठी है, दरअसल 2 साल पहले हमारे स्कूल का टॉपर स्टूडेंट था, 10वीं का, 89% मार्क्स आए थे उसके। जतिन भी ठीक ठाक है, 68% मार्क्स लाया था उसने। दोनों अभी किशनदास विद्यालय से 12वीं कर रहे हैं। ये रोहित जायसवाल, विशाल साहू और अक्षय परिहार,
ये तीनों बहुत ही पुअर स्टूडेंट थे मैडम। ये रोहित और विशाल ने तो दो बार फेल होने के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। सुना है अभी अपने अपने फादर्स के साथ काम पे लग गए। और अक्षय परिहार तीन बार एसएससी फेल हो चुका है। प्रिंसिपल साहब इतनी बार कैसे फेल होता है ये? दरअसल फेल हम हुए हैं मैडम। हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाते हैं, मूल्यों के लिए नहीं। अक्षय परिहार के पिताजी मिस्टर राजेंद्र परिहार, मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं उनको। राजेंद्र जी ने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है अक्षय को। इकलौता है ना, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैम, थोड़ा बिगड़ तो गया है अक्षय। सर आपके स्कूल में ऐसा कोई टीचर है जो अक्षय परिहार के बारे में थोड़ी और जानकारी दे पाए, या फिर कोई दोस्त, या किसी ऐसी एक्टिविटी में वो शामिल रहा हो जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह? मैंने आपको बताया ना मैम, ये उसका चौथा अटेम्प्ट है एसएससी क्लियर करने के लिए। दो साल पहले वो स्कूल छोड़ चुका है। मतलब स्कूल छूट जाता है कोई दो साल लगातार फेल हो तो, वो प्राइवेटली कहीं से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहा है एसएससी क्लियर करने के लिए। तो दो साल से वो किसी से टच में नहीं है। जब आपके आदमी ने उस लड़के की तस्वीर दिखाई मुझे झट से याद आ गया, करीबन 6 महीने पहले की बात है। ये देखिए, हमारी दुकान में जो जो नई ज्वेलरी की आइटम आती है मैं उसकी तस्वीर निकाल के रख देता हूँ अपने रिकॉर्ड के लिए। इस लड़के अक्षय ने 6 महीने पहले जब ये इयर रिंग्स खरीदे थे, आप कह रहे हैं कि इसके साथ कोई था, कोई लड़की थी क्या? लड़की नहीं, लड़का था, शायद इसका दोस्त। और इस लड़के ने उस लड़के से कुछ पूछा भी था। ये वाला कितना सुंदर लग रहा है ना, ये देखिए, इनमें से कोई था क्या? एक सेकंड, जरा पीछे ले लें। हाँ यही था। ये वाला कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ मस्त है। हाँ सर, मैं अक्षय के साथ गया था दानपुर इयर रिंग्स लेने। अक्षय ने ये इयर रिंग्स किसके लिए खरीदे थे जतिन? सर यही सवाल मैंने अक्षय से कई बार पूछा लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। सर यार अब तो बोल, हम धानपुर क्यों जा रहे और क्या काम है वहाँ? अबे एक स्पेशल चीज लेनी है, बस वही लेने जा रहे हैं हम लोग। अब ऐसी कौन सी स्पेशल चीज है जो हमारे सियापुर में नहीं और या धानपुर में मिलती है? सियापुर में मिलती है मगर वहाँ से लेते ना तो मेरे घर वालों को पता चल जाता, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले, इसलिए यहाँ लेने आए हैं। लेकिन वो चीज है कौन सी? ये वाला कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ मस्त है। बोल भी दे भाई, तूने गर्लफ्रेंड बना ली ना? अबे सीक्रेट है, तू चल तो। क्या सीक्रेट? एक तो तू मुझे यहाँ तक खींच के लेके आया, वो भी सिर्फ इयररिंग्स खरीदने, और अभी बता भी नहीं रहा कि किसके लिए खरीदी है। अबे सीक्रेट है, तुझे बाद में बताता हूँ, तू चल। अबे अक्षय उस लड़की का नाम तो बोल बे। ए, कोई नाम वाम नहीं है, और वो ना वो जो इयररिंग्स मैंने ली है ना वो मेरे लिए ली है। अबे वैसा वाला शौक चढ़ा है मुझे। अच्छा देख, अभी ना आप ये नौटंकी बंद कर दे और चुपचाप से मेरे को फटाफट उसकी सारी डिटेल्स दे, चल। अबे सीक्रेट है, बाद में बताता हूँ तुझे। लेकिन उसने बोला नहीं सर, टालता रहा। और तुमने हमें नहीं बोला कि अक्षय ने ऐसी हरकतें की थी ताकि उसकी मम्मी को पता ना चले? जतिन वो इयररिंग 6,500 रुपए के थे, इतने पैसे कहाँ से आए अक्षय के पास? मुझे क्या मालूम मैडम, मैंने उससे पूछा था। और अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप आदर्श, विशाल और रोहित से भी पूछ सकते हैं। सर हमने ये इयररिंग्स देखी ही नहीं। सर हमने कहा था अक्षय को दिखाने को लेकिन उसने कभी दिखाया ही नहीं। लेकिन सर जतिन ने हमसे कहा था कि उसने कोई इयररिंग्स खरीदी है। अब इयररिंग्स तो कोई लड़की के लिए ही खरीदता है। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे सर। ए भाई बोलना, कौन है वो? अरे कोई लाइन नहीं मारेगा, बस सब सब भाभी भाभी बोलेंगे। ए बोल 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 बोलेंगे। अबे चुप, तुम लोग ना भी औकात में रहो। अबे तुम लोग ना लाइन मारने की लाइन में भी नहीं हुआ। हिंट तो दे, कहाँ की है?
सियापुर की या धानपुर की? जहाँ से तूने इयररिंग्स खरीदी थी? बे जतिन ने तुम लोगों को बता दिया साला, इसके पेट में ना कोई बात पचती नहीं है साला, इसको कहीं लेके ही नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं तो बड़ा मरे जा रहा था ना इसके साथ जाने को। अब बहुत सीक्रेट हो गया, उगल दे कौन है। अबे देखो कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं ना जो खुद को भी नहीं बताते। हमने तुम सब लोगों से पूछा, एक एक से पूछा, कोई लड़की बड़की का चक्कर है क्या? पर तब तो तुम चारों ने मना कर दिया, क्यों? अब सर लड़की कौन थी ये पता ही नहीं था तो कैसे बताते। और सर सच कहूं तो हमें लगा वो है भाई ड्रामा कर रहा है हमें चलाने के लिए, कोई लड़की वड़की नहीं होगी सर। सर अक्षय को आदत है ऐसे ही शो ऑफ करने की। अच्छा तो और क्या क्या शो ऑफ किया अक्षय ने? जतिन तुमने हमसे कहा था कि तुम लोग सिगरेट तक नहीं पीते हो, अच्छे बच्चे हो। सॉरी मैम वो मैंने डर के मारे कह दिया था। ये दारू वारू सब रेगुलर है। ये बियर पीने के पैसे कहाँ से आते थे तुम लोग के पास? मैडम मैंने जतिन को इतने पैसे कभी दिए ही नहीं कि वो ये सब हरकतें करे, मैं खुद चौंक गई इन सब से। बोलो जतिन कौन स्पॉन्सर करता था ये आदतें? अक्षय? और क्या क्या स्पॉन्सर होता था? ड्रग्स? कोठों पर भी जाते थे तुम लोग? नहीं सर कभी नहीं। कोई एक बार हमसे झूठ बोलते हैं फिर हम उसके सच को भी फूंक फूंक कर टटोलते हैं। तुम लोग अक्षय के बारे में हमसे कुछ छुपा रहे हो ये सच है? जो भी सच है बोल दो। सर अक्षय की हमेशा से एक दूसरी साइड रही है। दूसरा साइड? एक्सप्लेन करो। सर मतलब अक्षय दोस्त अच्छा है, दिलदार है और घर से सबसे ज़्यादा पैसे उसी को मिलते हैं सर। लेकिन सर उसके बारे में कुछ ऐसा है जो हम में से कोई नहीं जानता। और ये कुछ क्या है जतिन? सर पता नहीं सर, मैंने बस उसके बिहेवियर से गैस किया। सर जैसे उसने वो इयररिंग्स खरीद ली, सर हम सब ने कितना प्रेशर डाला उस पर कि बोल बोल किसके लिए खरीदी है, लेकिन नहीं उसने हमें नहीं बताया सर। और सर इसी तरह उसने बाइक खरीदने का भी प्लान बना रखा था, उसने हम में से किसी को भी नहीं बोला था। फिर अचानक एक दिन धमाक पड़ा कि चलो ननपुर जाएंगे हम बाइक खरीदने के लिए। सर बस इसीलिए मुझे लगा कि उसका एक दूसरा साइड भी है। सर सियापुर धानपुर और ननपुर किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी लड़की की मिसिंग कंप्लेन नहीं है। इस अक्षय के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए सर, लेकिन बहुत अजीब बात है इसके किसी भी रिकॉर्ड में एक भी लड़की का नंबर नहीं है। अक्षय ने इयररिंग्स खरीदे ये फैक्ट है, इस पर बिल्ड करते हैं। इयररिंग्स खरीदे गए हैं तो नो डाउट किसी लड़की के लिए खरीदे गए होंगे। एक तुक्का लगा रहा हूँ सर, हो सकता है कि ये लड़की उसके अपने एरिया की ना हो, उसकी गर्लफ्रेंड ना हो, हो सकता है कि ये कोई प्रोस्टिट्यूट हो जिस पर अक्षय का दिल आ गया हो। ये तुक्का भी लगाओ, लॉजेस होटल हाईवे के आसपास जितने भी ढाबे हैं जहाँ पर इस तरह का धंधा होता हो सब जगह स्कैन करो। मानता हूँ सर लाड़ प्यार थोड़ा ज्यादा हो गया था। थोड़ा? रेगुलरली दोस्तों को बियर पिलाना, 6,500 रुपए के इयररिंग्स खरीदना, इतना जेब खर्चा आप खुद देते हैं अक्षय को? कभी कभी मेरी जेब से निकाल लिया करता था। सर वो थोड़ा जिद्दी है, खाना पीना छोड़ देता था। देखिए आपका निजी मामला है लेकिन इस केस से ताल्लुक रखता है इसके लिए कह रहा हूं। आप लोग इकलौते बच्चे के लाड प्यार में इतने लापरवाह कैसे हो गए? क्या आपको पता नहीं कि यह पैसा वो अय्याशी में उड़ाता है या फिर जानबूझकर अनजान बने हुए हैं कि नहीं सब ठीक है हमारा अक्षय तो दूध का धुला है जबकि वो बियर में डूबा है। राजन जी कुसुम जी मुझे लगता है आपका बेटा उस लड़की के साथ भाग गया जिसके लिए उसने इयररिंग्स खरीदे थे। ये बाइक वाइक खरीदना तो सिर्फ एक बहाना था आप लोगों से एक मोटी रकम निकलवाने के लिए। मैं मेरे बेटे की हदें जानती हूँ, मानो कि वो थोड़ा जिद्दी है बिगड़ा हुआ है और ये पीता वीता भी होगा। मैं सब मानने को तैयार हूँ पर मेरा बेटा हमें ऐसे धोखा देकर भाग भाग नहीं सकता सर। आगे से ऐसा नहीं होगा सर, एक बार मेरे अक्षय को ढूंढ दीजिए हम उसे सुधारेंगे। मैं दो चमाट लगाऊंगा उसको लेकिन एक बार मेरे सामने लाइए। अरे ये तो टू मच है, मुझे क्यों डांटा जा रहा है? मैं स्कूल जाती हूँ घर आती हूँ घर के काम करती हूँ। भावना तुम्हारा ये भाई आदर्श भी हमसे यही कहता आया है। और तुम गीता जब रात को लेट आता था तो दरवाजे पे सूंघ नहीं पाती थी कि नशा करके आया है? मुझे कैसे पता होगा,
मैंने कौन सी शराब सूंघी है? और तुम जब ये गलतियां कर रहे थे तो एक बार भी सोचा कि तुम्हारे बाप की कितनी बेइज्जती होगी? घर में छोटी बहन है। सॉरी पापा, गलती हो गई। तुम्हारी ये गलती बहुत भारी पड़ गई हम पे। देख रहे हो ना अक्षय के माँ बाप का क्या हाल है, इसलिए हम लोग तुम लोगों को दुनिया में लाते हैं। अरे रात दिन मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारा अच्छा हो। माफ करना सर जी, बोलने को कुछ है ही नहीं। एक एक दल्ले को पकड़ा, एक एक लॉज खंगाला। ये अक्षय पर यार लौंडियाबाज नहीं लगता, और ना ही गर्लफ्रेंड वाला मामला फिट बैठ रहा है। आशीष, इस तरह हाथ खड़े करने से कुछ नहीं होगा। वो इयररिंग्स ना तो उसने तेरे लिए खरीदे ना ही मेरे लिए। इयररिंग्स लेडीज वाले थे, तो जाहिर सी बात है किसी लड़की के लिए खरीदे होंगे। वो लड़की हमें चाहिए, मतलब चाहिए। 6 दिन हो गए ना अक्षय का कॉल आया, ना ही उसका फोन स्विच ऑन हुआ है। सर अक्षय के माँ बाप उसकी हर जिद पूरी करते थे, बिना उससे पूछे कि वो बाइक किससे खरीद रहा है, उसके हाथ में 30,000 रुपए रख दिए। फिर अक्षय क्यों भागेगा सर? शायद यह मकसद कुछ और है। किसका मकसद सर? खुद अक्षय का या फिर उसके 4 दोस्तों में से किसी का? शायद पैसा। मंजू, पैसा मोटिव जरूर हो सकता है दोस्तों का, क्योंकि अक्षय दोस्तों के लिए अय्याशी फंड करता था, और अक्षय की फैमिली के कंपैरिजन में इन सारे दोस्तों की फैमिली काफी लोअर क्लास की है सर। अगर अक्षय इनकी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, तो अब सवाल यह है कि सारे अंडे एक साथ पाने के लालच में इन चारों दोस्तों ने मिलकर। लेकिन सर अगर किडनैपिंग का प्लान रहा होता तो फिरौती का कॉल करते या करवाते, तो क्या सिर्फ 30,000 के लिए अक्षय के दोस्तों ने अक्षय को कुछ कर दिया होगा? तो सर फिर ये अक्षय का बाइक खरीदने वाला एंगल क्या रहा होगा? और हमें नंदपुर में कोई ऐसा सेलर भी नहीं मिला है। शायद कोई सेलर था ही नहीं। यहां जरूर कोई गेम खेला जा रहा है अक्षय को ट्रैप करने बिछाए हुए जाल में, और यह गेम अभी अभी शुरू हुआ है। अगली चाल हम बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कौन कैसी चाल चलेगा और कब। अक्षय कहाँ हो तुम? अरे ये क्या लगा रखा है, तुम्हारी मम्मी की जान निकल जा रही, कहाँ हो तुम? सिर्फ मम्मी की जान निकल रही है, तेरी नहीं पर यार। सौतेला बाप है क्या तू इसका? कौन हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? अपने लाडले बेटे को जिंदा वापस चाहता है तो कल मुकुंदपुर पहुंच जाना, 10 लाख कैश लेकर आना और अपने बेटे अक्षय को ले जाना। तुम कौन? अक्षय को फोन दो, अक्षय से बात करो मेरी। अबे सारी जिंदगी पड़ी है बात करने को, समझा? अब सुन, कल फिर कॉल करूंगा, जगह और समय बताऊंगा, और अगर कोई भी हीरोगिरी करने की कोशिश की ना तो हमें विलन बनना ही पड़ेगा। खत्म कर देंगे तेरे लड़के को। हेलो 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 आप लोग 10 लाख रुपए अरेंज कर सकते हैं? सर 10 के 15 लाख अरेंज कर सकते हैं, बस आप मेरे बेटे को सही सलामत वापस ले आइए। देखिए सर, पैसे अरेंज हो जाएंगे, आगे क्या? आगे ये कि हम लोग भी आपके साथ चलें। हम आप दोनों के फोन स्टैप करें, हमारे 2 कांस्टेबल सिविल ड्रेस में आपके घर के बाहर तैनात रहेंगे, 24 घंटे घर पर नजर रखेंगे। लेकिन सर कहीं उन लोगों को आपके बारे में पता चल गया और उन्होंने अक्षय को कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए सर, पैसे हमारे लिए मायने नहीं रखते। कुसुम जी, हमारे लिए भी पहले यही मायने रखता है कि आपका बेटा सेफ आपके पास लौटे, इसी मकसद से हम ऑपरेट करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। गायब होने के 6 दिन बाद फिरौती का कॉल सर, और वो भी अक्षय के मोबाइल से, आशा ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी के लिए अभिजीत पॉजिटिवली सोचते हुए ही आगे बढ़ते हैं, पता तो चले कि इस गेम में टीम्स कितनी है और खिलाड़ी कितने हैं। ये चारों दोस्त अक्षय की उम्र के हैं, नाबालिग हैं,
क्या अकेले ऐसा कुछ कर सकते हैं? सर अक्षय का एक दोस्त गायब है, विशाल साहू। फोन भी स्विच ऑफ है। कब से गायब? सर कल से, 12 जून से। घर से ये कहकर निकला था कि राधा नगर जा रहा है। और लेकिन राधा नगर में ऐसा क्या है विशाल? पापा वो मेरे स्कूल का दोस्त है ना, वो वहीं सेटल हो गया। उसने मुझे बताया कि वहाँ पर एक कंपनी है जहाँ पर लड़कों को ट्रेनिंग पे रख रहे हैं। बड़ी कंपनी है तो मैंने सोचा देख आता हूँ और 2-3 दिनों में लौट आऊंगा। सर मैंने विशाल साहू के रीसेंट फोन रिकॉर्ड भी मंगवाए हैं। अब देखते हैं कि कल क्या चाल चली जाती है। जैसा हमने सोचा था गेम स्टार्ट हो गया, पहला दाव खेला गया। मैडम जी आप लोग मेरे विशाल को शक की नजर से क्यों देख रहे हैं? अनिल जी अक्षय अगवा किया गया है और फिरौती की कॉल आ चुकी है। हे भगवान, लेकिन विशाल पे शक क्यों? क्योंकि विशाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है अनिल जी। बैटरी खत्म हो गई होगी, फोन खो गया होगा या फिर विशाल खो गया होगा पैसों की लालच। अनिल जी कल फिरौती की रकम के साथ मुकुंदपुर बुलाया गया है। मुकुंदपुर? क्यों, विशाल का कोई ताल्लुक है मुकुंदपुर से? वो मुकुंदपुर में विशाल की माँ रहती है। आप लोग साथ ही रहते? नहीं, मैं और विशाल की माँ अलग हो चुके हैं। लेकिन विशाल मुझसे झूठ बोलकर मुकुंदपुर नहीं जा सकता, वो राधा नगर गया है। The number you have called is currently switched off. आपके बेटे रोहित का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। साहब परसों से उसका फोन बंद है, कुछ बोला ही नहीं मुझसे, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। रोहित 11 को निकला? जी साहब। सामान वामान बांध कर? नहीं साहब, यही ढाबे से गया है, डिलीवरी करके लौटा था। साहब कब निकला कुछ पता ही नहीं चला, यहाँ ढाबे पर भी किसी को नजर नहीं आया। मुन्नीलाल जी आपका बेटा रोहित परसों से यानी कि 11 तारीख से गायब, उसका फोन भी बंद है, लेकिन ये बात आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? साहब हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं। कैसा कुछ नहीं लगा आपको? आप जानते हैं ना कि आपके बेटे का दोस्त अक्षय गायब है, शायद अगवा हुआ है। जी साहब। और इतना ही नहीं, विशाल साहू भी गायब है। क्या? हाँ जी, विशाल साहू के साथ साथ रोहित जायसवाल के कॉल रिकॉर्ड्स भी चाहिए हमें, परसों 11 जून से लेकर आज 13 जून तक के, जल्द से जल्द। नो मैडम, मेरी ना रोहित से कोई बात हुई, ना ही विशाल से। आदर्श मामला काफी मतलब काफी सीरियस होता जा रहा है। मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारी विशाल या रोहित इन दोनों से पिछले 2 दिनों में कोई बात हुई है? मैडम जब वो बोल रहा है कि बात नहीं हुई है तो दोबारा पूछने का क्या मतलब है? अक्षय के बाद ये दोनों भी गायब है तो इसमें इन दोनों का हाथ तो होगा ही होगा ना। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड आने दीजिए, कल तो हम आपके साथ मुकुंदपुर चली रहे हैं, अगर ये दोनों शामिल हैं तो इन दोनों को वहीं धर लेंगे। आप अभी भी डाउट कर रहे हैं कि वो शामिल है या नहीं? कुसुम जी जिस तरह से आपका लड़का घर से झूठ बोलकर गायब हुआ है उसी तरह से ये दोनों लड़के भी गायब हुए हैं, सिर्फ इस बेसिस पर हम इन दोनों लड़कों को आरोपी और आपके बेटे को विक्टिम नहीं बता सकते। ग्यारह तारीख को रोहित से तुम्हारी बात हुई थी जतिन? जी सर मेरी बात हुई थी। और 11 तारीख से ही रोहित गायब है अपने ढाबे से, बात क्या हुई थी तुम्हारी? डर लग रहा है। डर तो हम सभी को लग रहा है रोहित, लेकिन तू फिक्र मत कर, अक्षय मिल जाएगा। भाई लेकिन पुलिस, भाई पुलिस हम पर शक कर रही है। पुलिस तो सभी पे शक करती है भाई, पर हम तो अक्षय के दोस्त हैं, अब पता नहीं क्यों वो झूठ बोलकर हम सभी को फंसा गया। लेकिन तू टेंशन मत ले, हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमें डरने का कोई कारण है ही नहीं। लेकिन यार। लेकिन क्या रोहित? रोहित तू कुछ जानता है क्या? अबे रोहित बोल ना। तुझे कुछ मालूम है क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम, बस समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बस इतनी ही बात हुई थी। सर आदर्श त्रिपाठी कह रहा है कि ना उसकी रोहित से बात हुई है और ना ही विशाल से। इन दोनों के फोन सियापुर में स्विच ऑफ हुए थे सर। रोहित का फोन 11 तारीख को शाम को 4:30 बजे और विशाल का फोन 12 तारीख को दोपहर में 1 बजे। लेकिन सर 11 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे इस जतिन की रोहित से बात हुई थी। जैसा मैंने आपको बताया सर। आज बताया, वो भी हमारे पूछने के बाद, 11 तारीख को क्यों नहीं बताया? सर अब मुझे थोड़ी ना पता था कि रोहित गायब होने वाला है। जतिन वो लड़की कौन है जिसको लेकर ये सारा ड्रामा हो रहा है? सर जब अक्षय ने खुद मुझे उस लड़की का नाम नहीं बताया तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? सर हम सब खुद डरे हुए, पता नहीं एक वो अक्षय ने क्या कर दिया,
हम सबको उसके किए का भरना पड़ रहा है। भारती जी, भर कौन रहा है ये तब सामने आएगा जब ये पता चलेगा कि कर कौन रहा है। जतिन, विशाल के मम्मी डैडी अलग रहते हैं, ये तो जानती ही होगी। जी मैडम। विशाल की मम्मी मुकुंदपुर रहती है, पता है? जी, उसने मुझे बताया था। विशाल की उसकी मम्मी के साथ कैसे ताल्लुक है? मैडम, मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं मालूम है, विशाल उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन हाँ, मुझे इतना मालूम है कि कई अरसों से विशाल उनसे मिला नहीं है। अब विशाल की मम्मी का इस सबसे क्या ताल्लुक है मैडम? और आप मेरे जतिन से ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? भारती जी, जब एक बार जुर्म का पिटारा खुलता है ना, तो सबके ताल्लुक सबके साथ बनते हैं, और तब तक बने रहते हैं जब तक सारे ताल्लुक मिलके वो ताला ना खोल दे जहां पे जुर्म की जड़ छुपी होती है। और सवाल तो अभी शुरू ही हुए हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरा बेटा विशाल यहाँ आया हुआ है। जी। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ड्यूटी पर गांजा पी रखी है क्या? पहले आपके घर की तलाशी लेंगे, उसके बाद देखते हैं शर्म किससे आनी चाहिए। ये क्या तमाशा लगा रखा आप लोगों ने? अरे आप लोग ऐसे कैसे घुस सकते हैं मेरे घर में? सर, विशाल अपनी माँ के घर में नहीं है। सर, विशाल की माँ का नाम वर्षा साहू है, उनके कॉल रिकॉर्ड्स में भी विशाल कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये विशाल और रोहित ने पैसों के लिए तो ये कांड नहीं किया है? मुझे तगड़ा डाउट हो रहा है सर, ये कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है, ये कई लोगों की मिली भगत हो सकती है। यस सर। सर, गिवन दैट अक्षय घर से निकला था ये बोलकर कि वो जा रहा है जतिन और आदर्श के साथ, पर गायब कौन होता है? विशाल और रोहित। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय ने जानबूझ के जतिन और आदर्श का नाम लिया हो? लगता है इस गेम के खिलाड़ी कुछ दिन और बीतने का इंतजार कर रहे हैं। चलो देखते हैं फिरौती लेने कौन आता है। क्या पता अक्षय की फिरौती खुद अक्षय नहीं मांगे हो। मैं भी चलूंगी मुकुंदपुर। नहीं नहीं, पुलिस है ना साथ में, हम अक्षय को लेकर ही आएंगे। पुलिस तो कुछ भी अनाप शनाप बक रही है। अरे अक्षय खुद का अपहरण क्यों कराएगा? ये सब कुछ उसी का तो है। शायद यही किया है हमने इतने साल, अपने आप को हद से ज्यादा सौंप दिया उसकी जिद के, शायद उसी का ये नतीजा है। इतना बिगड़ा हुआ भी नहीं है हमारा अक्षय। हाँ, उसके दोस्त उसे इतना जलते हैं ये अब पता चल रहा है। वो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, विशाल और रोहित ऐसा कुछ कर भी सकते हैं? अगर इन दोनों ने अगवा किया है तो अक्षय ने मुझसे क्यों कहा कि वो जतिन और आदर्श के साथ बाइक लेने जा रहा है? मुझे तो ये चारों मिले हुए लग रहे हैं। विशाल और रोहित ने कभी मजाक में भी अक्षय की किडनैपिंग का जिक्र छेड़ा था तुम दोनों के सामने? नहीं सर, कभी नहीं। सर, हम नॉर्मल लड़के हैं, नॉर्मल सी लाइफ है हमारी। लेकिन आप बच्चों से ऐसे सवाल कर रहे मानो कि ये कोई क्रिमिनल गिरोह से जुड़े हैं। सर, ये बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ये लोग ऐसी बातें क्यों करेंगे? ये किडनैप वगैरह तो गुंडे बदमाश करते हैं ना। फिरौती का कॉल तो आ चुका है बलराम जी, और ये कोई बच्चों की चोर पुलिस नहीं है, बल्कि असली का चोर पुलिस का खेल खेला जा रहा है। पर हाँ, खेल है जरूर, बस एक बार हम अक्षय को सुरक्षित कर लें, उसके बाद इस खेल के सारे खिलाड़ियों की पोल खुलेगी। 16-17 साल के लड़के, आपका भी, जवानी के कगार पर खड़े हैं। बस उम्मीद करते हैं कि इन लड़कों ने बड़ों की दुनिया में अपना पहला कदम गलत ना रखा। तुम इस तरफ, तुम उधर। सर, इतने सुनसान जंगल से कोई किडनैपर फिरौती के लिए दूसरी कॉल क्यों करेगा? अगर उसे इस बात की जरा सी भी अकल होगी कि ऐसे सुनसान एरिया में ट्रैक करके उसे पकड़ना सुपर आसान होगा, तो वो नहीं करेगा। सर, अकल तो वो पहले ही दिखा चुका है। अक्षय के फोन से उसने फिरौती के लिए कॉल किया ताकि ए, हम उसके फोन को ट्रैक ना कर पाए, और बी, हम तक ये मैसेज भी पहुंच जाए कि उन्होंने उसे अगवा किया है। फिर भी हम वेट करेंगे, चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है फिरौती के लिए भी ये लोग यहीं हैं।
वाइफ का फोन, जल्दी शॉर्ट बात कीजिएगा। हेलो, हाँ कुसुम, नहीं अभी तक कोई कॉल नहीं आया। क्यों नहीं आया, दोपहर हो गई है। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? देखो एक बार सारा काम हो जाने दो, फिर मैं फोन करता हूँ ना, अक्षय से बात कराता हूँ तुम्हारी। सफिरौती के लिए कोई दूसरी कॉल नहीं आई है, काफी टाइम हो गया है। विशाल और रोहित के घर और फैमिलीज कवर्ड हैं? यस सर, दोनों के घर सर्विलेंस पर हैं और दोनों के फादर्स को थाने में बिठा के रखा है। सर, सर ये क्या हो रहा है सर? सर ये राजन जी शांति रखिए। देखिए खिलाड़ी हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, लेकिन हमें टूटना नहीं है। आप शांति रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। सर अब तक कोई कॉल नहीं आया और अक्षय का सेलफोन अभी स्विच ऑफ है। और सर मुकुंदपुर में चप्पा चप्पा स्कैन किया गया है, इन तीनों गायब हुए लड़कों में से किसी को भी किसी ने नहीं देखा है। सर रोहित और विशाल के घर पे वॉच रखी गई है और मुकुंदपुर में विशाल की माँ के घर भी नजर रखी गई है। अब थोड़ा डरने वाली बात है, गायब होने के 7 दिन बाद फिरौती के लिए कॉल, रेयरली देखा है हमने। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता ये लोग वाकई में फिरौती चाहते हैं, अगर नहीं तो फिर चाहते क्या? सर ये जतिन और आदर्श काफी हिले हुए हैं, ये बताना नहीं चाहते कि रोहित और विशाल को अगर कहीं छिपना होता तो कहां छुपते? ये सारे लड़के आधे बच्चे आधे आदमी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, सुराग है सिर्फ वो ईयरिंग्स, और अभी तक हम किसी भी लड़की तक नहीं पहुंच पाए जो शायद इस सारे कांड की जड़। मुकुंदपुर के अंबर के टीले के पास से बोल रहा हूँ, यहाँ से सुबह एक हमें फोन आया था सर, यहाँ एक आधी जली लाश मिली हमें। अक्षय परिहार की है? नो सर, बारिश की वजह से लाश पूरी तरह से जल नहीं पाई होगी सर, ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से इंटैक्ट है। किसकी है फिर? विशाल साहू की। विशाल सर, विशाल की बॉडी के पास से उसका फोन भी मिला है और ये एक और फोन मिला है सर जो अक्षय परिहार का मालूम पड़ता है। ऋषि और कुछ मिला? सर विशाल का बैग भी पड़ा था पास में, उसमें एक बस टिकट था सर, सियापुर से मुकुंदपुर का, 12 जून की डेट। विशाल साहू? सर वो श्योर है कि वो विशाल ही अक्षय ने? हाँ कह तो रहे हैं कि विशाल की। क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ 4 महीना चलिए भाई। हाँ सिर्फ नाम के लिए सेकंड हैंड है भाई, बाकी एक स्क्रैच नहीं है बाइक पे। मैं तो बोलता हूँ 30,000 में ऐसी बाइक मिलना ना, लूट है लूट। कहाँ की पार्टी है जो ये बाइक बेच रही है? पार्टी नंदपुर की है। नंदपुर की? अच्छा तो तू एक काम कर, तू उनको बोल दे कि अक्षय को बाइक पसंद आई, अक्षय ने बुक करी है बाइक। लेकिन डिस्ट्रेस सेल है, पैसे उसे अर्जेंट में चाहिए। अरे तू पैसों की टेंशन मत ले, पापा को तो मैं पटा लूंगा, बस तू उसको ये बोल दे कि बाइक अक्षय को पसंद आई है, अक्षय ने बुक करी बाइक। यहाँ हर किसी के दो चेहरे हैं। जतिन बेटा स्कूल नहीं गया? नहीं मम्मी आज मूड नहीं है, घर पे रहूंगा, चलेगा ना? गुमशुदा अक्षय परिहार था पर मौत के घाट उतरा विशाल साहू, और उन कान की बालियों के पीछे एक बहुत गहरा घाव छुपा हुआ था। काफी घुमावदार तहकीकात के बाद हम इस जुर्म की जड़ तक पहुंचने वाले थे जो कई और जुर्मों का पर्दाफाश करने वाला था। इस केस में ये 17 साल के लड़के दर्द के दलदल में कैसे धंसे? ये नाबालिग बालक मौत के दर्दनाक मैदान में क्यों उतरे? इन सवालों के जवाब हम कल इस केस के शेष भाग में देखेंगे। जय हिंद। सर के पिछले हिस्से में स्कल के अंदर में से कांच के टुकड़े बरामद हुए हैं, बियर बॉटल्स के टुकड़े लगते हैं। गला उसके बाद काटा गया होगा? That's right. ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल लेवल्स काफी हाई थे। क्राइम सीन पर कई बियर बॉटल्स बिखरी पड़ी थी, टूटी बॉटल के टुकड़े भी। कल यानी 15 जून के दोपहर को मर्डर हुआ होगा विक्टिम का। जंगल में विशाल साहू किसके साथ बैठकर पी रहा था? किसके साथ? <laughs>
सर रोहित जायसवाल के लिए मैनेजर लॉन्च कर दिया है और सेलफोन कंपनी को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि 11 जून को सियापुर में जहां विशाल का फोन स्विच ऑफ हुआ था उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करें। विशाल साहू 12 जून को सियापुर से मुकुंदपुर गया बाई बस, जिसकी टिकट है हमारे पास। अभिजीत, क्या विशाल और रोहित ने अक्षय को मुकुंदपुर में कहीं बंदी बनाकर रखा होगा या फिर अक्षय ने ही विशाल का कत्ल किया है? कुछ भी हो सकता है सर। अभिजीत एक काम करो, जतिन उपाध्याय और आदर्श त्रिपाठी इन दोनों को दोबारा हाजिर करो। मैडम कुछ पता चला? जी अभी हम ढूंढ रहे हैं। मैडम हमारा अक्षय कहाँ है? देखिए राजेंद्र जी, इस वक्त हमें भी नहीं पता, हम रोहित तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने तो कहा था कि रोहित और विशाल हो सकते हैं मेरे बच्चे के अपहरण के पीछे। जी कुसुम जी, हमें भी यही लग रहा था, पर अब इस केस ने बहुत ही अजीब और पेचीदा मोड़ ले लिया है। और वैसे भी आप लोगों ने विशाल के बारे में तो सुना ही होगा। जी सुना है, बुरा लगा। प्लीज हिम्मत रखिए, ये केस पेचीदा है काफी। डरने से क्या चेंज होगा, जो हुआ सो हुआ, फिक्र मत कर, हमें पैसे भी मिल जाएंगे और कुछ होगा भी नहीं, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है, टेंशन मत ले। जतिन पापा है। विशाल के बारे में सुना तो मैं फूलपुर से सीधा यहाँ आया। बेटा ये हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता पापा, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं बस आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अच्छा रोहित के बारे में कुछ पता चला? नहीं पापा, पुलिस ने अभी तक कुछ बताया नहीं। पुलिस का फ़ोन आया था जतिन, तुम्हें फिर से बुलाया। चलिए श्रीमान, एक बार और थाने में मुँह कला करवा के आते हैं। और गीता, आज से भावना को स्कूल छोड़ने तुम जाओगे, और लेने भी, और 12वीं से पहले इसे कोई मोबाइल वोबाइल नहीं मिलेगा। मैंने क्या किया है, मुझ में क्यों शक कर रहे हो? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। चलो। यार आशीष, हम तुम्हारी तरह खबरी थोड़ी हैं कि सीसीटीवी की तरह हर पैसेंजर का थोपड़ा याद रखें। ब्रजेश भाई दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, 12 जून को ये सियापुर से मुकुंदपुर के लिए बैठा था, और हो सकता है इसके साथ ये भी था। यार कुछ खास हुआ होता, कुछ किया होता बस में, तो शायद याद रहता। मैं तो रोजाना ऐसे अप एंड डाउन 10 बार कर रहा था। अपने यहाँ मुकुंदपुर में 6 लॉज हैं, दर्जनों लोग घरों में लोगों को रहने देते हैं, सभी जगह ट्राई किया पर इन तीनों को किसी ने भी नहीं देखा। सुनो, अक्षय की फिरौती का कॉल मुकुंदपुर से ही आया था, और वो भी अक्षय के अपने फोन से। ये कौन सा एंगल हुआ सर? पूछ मत, अक्षय का फोन हमें इस विशाल साहू की लाश के बगल में पड़ा मिला था। एक काम कर, ये रख ले, ये जतिन उपाध्याय और ये आदर्श त्रिपाठी, ये दोनों इस वक्त सियापुर पुलिस के पास है। अक्षय के 4 दोस्तों में से 2 ये हैं, जरा पता कर शायद मुकुंदपुर में किसी ने इनको देखा हो। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से कोई अपराधी थोड़ी ना बनता है मैडम, मेरा बेटा मेरे साथ कितना अच्छा काम सीख रहा है, वो अपहरण वगैरह में पढ़ ही नहीं सकता, वो भी अपने बचपन के दोस्त का। तो फिर उसने आपसे झूठ क्यों बोला अनिल जी कि वो राधा नगर जा रहा है? ना सिर्फ उसकी बॉडी हमें मुकुंदपुर से मिली, बल्कि उसकी बॉडी के पास से अक्षय का फोन भी मिला जिससे फिरौती की कॉल आई थी, और उसकी बैग से हमें सियापुर से लेकर मुकुंदपुर तक की टिकट भी मिली। मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं हो रहा मैडम, दिल कहता है मेरा विशाल क्रिमिनल नहीं हो सकता। मैडम जी, हमारा रोहित भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मुनिलाल जी, रोहित फिलहाल गायब है या फरार है ये हमें नहीं पता, पर जिस दिन हमें मिलेगा उस दिन हमें और आपको दोनों को पता चल जाएगा कि कौन क्या कर सकता है। हमने सारे रिश्तेदारों को पूछा पर वो किसी के पास नहीं। पर रोहित गायब तो है ना मैडम, कहीं तो छुपा बैठा है। सर जब रोहित और विशाल ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं तो मुझे क्या बताएंगे? आप कॉल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए ना, मेरी उनसे बात ही नहीं हुई है। जतिन बेटा, तुम्हारे ग्रुप के एक लड़के विशाल साहू का कत्ल हो गया है, और तुम्हारे ही ग्रुप के 2 लड़के अक्षय परिहार और रोहित जायसवाल गायब है। बेटा ये सीरियस नहीं, बहुत सीरियस वाला मामला है, ये कोई मैथ्स का होमवर्क ना करने वाला मामला नहीं है। सर लेकिन लोगों का बिहेवियर भी मैथ्स की गिनती की तरह नहीं होता है ना, 2+2 4 हर बार ज़रूरी नहीं है,
सबकी अपनी कैलकुलेशंस रहती है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई झूठा होता है, लेकिन हर कोई पूरी तरह से सच्चा भी तो नहीं होता है ना। सभी कुछ ना कुछ छुपाते हैं, सभी के दो चेहरे होते हैं। परिषद के दफ्तर में मेरी सबसे बड़ी कमाई है मेरी इज्जत, और आप इसको बार बार थाने बुला के मेरी सारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बलराम जी, आपको अपनी रेपुटेशन की पड़ी है? आपके बेटे आदर्श की उम्र का, इसके फ्रेंड्स ग्रुप का एक लड़का बुरी तरह से मार दिया गया। विशाल की फैमिली की जिंदगी इस कदर बर्बाद हुई है जो शायद अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी। और इतना ही नहीं, दो और बच्चे मिसिंग हैं। आदर्श की क्वेश्चनिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सर, आप हर बारी मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरे जवाब बदलने वाले नहीं है। आदर्श, विशाल भी हमसे यही कहता आया था कि उसे कुछ नहीं मालूम, वो कुछ नहीं जानता। अब वो तो बोलने से रहा और ये रोहित बोलने से भाग रहा है शायद। और हम लोग कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हमें पंचिंग बैग की तरह लगातार इस्तेमाल करते रहें। 12th में है मेरा आदर्श, ये साल उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी पढ़ाई का पूरा रूटीन ठप पड़ गया है। और आप लोग हैं कि बार बार उसे थाने में बुलाकर एक ही बात पूछे जा रहे हैं कि 5 के बीच में क्या चल रहा था। जतिन बेटा, जो कॉरिडोर में थोड़ी हवा खा लो, मुझे तुम्हारे पापा से कुछ अकेले में बात करनी है। सत्रह का खतरा जी, टेक्निकली बच्चा है लेकिन बातें बड़ों वाली कर रहा है। सर, जो देख रहा है वही तो बोल रहा है। उसका एक दोस्त विशाल साहू मर चुका है, उसके दो दोस्त अक्षय और रोहित गायब है। जतिन, जो कुछ भी जानता है उसने एक बार नहीं कई बार बताया है आपको। महेश जी, हमारे इस थाने में जब कोई सही नहीं बोलता है ना, सच नहीं बताता है, तो हम उससे उगलवाते हैं सख्ती से। लेकिन मैं ये सख्ती जतिन के साथ नहीं कर सकता, इनफैक्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि वो नाबालिग है। अच्छा, मतलब धमकी? धमकी नहीं, दरख्वास्त है। क्योंकि धमकी जिन्होंने देनी चाहिए थी और जब देनी चाहिए थी नहीं दी। अब आप हमें दोष दे रहे हैं सर। जमाने का दोष है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को लाड प्यार करने के चक्कर में सही और गलत की लकीर अनदेखी कर जाते हैं। इसीलिए आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं महेश जी, आपका बेटा जतिन जो हमें नहीं बता रहा है वो उससे पता कीजिए। सर, आपके पास कुछ सबूत है कि मेरा बेटा जतिन और उसका दोस्त आदर्श आपसे कुछ छुपा रहे हैं? विशाल की लाश के पास से हमें बियर बॉटल्स मिली है। आपका बेटा जतिन और उसके दोस्त आए दिन बियर पीते थे। हमें विशाल के सर के पीछे से टूटी बोतल के टुकड़े मिले हैं। अब आप गणित खुद लगा लीजिए महेश जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरे जतिन ने विशाल को मारा? मैं इस वक्त ये कह रहा हूं कि उस दिन विशाल के साथ या तो अक्षय था या रोहित, या फिर अक्षय और रोहित दोनों थे। और आप जान मेरे बच्चे के लिए रहे? आपका बेटा जतिन जानता है कि उस दिन विशाल के साथ कौन था, या शायद उससे भी ज्यादा जानता है। महेश जी, अगर मैं जतिन का बाप होता ना, तो उसे सामने बैठाकर उससे साफ साफ करवाता कि मां चला गया। रोहित जसवर का लास्ट लोकेशन 11 जून को पिन पॉइंट लोकेशन सियापुर के जस्ट बाहर देवान जंगल की तरफ है। और विशाल की बॉडी भी जंगल में मिली, मुकुंदपुर के जंगल में अंबर टीले के पास। हाँ, क्योंकि विशाल मुकुंदपुर गया था। और रोहित की लास्ट लोकेशन है यहाँ सियापुर के देवान जंगल की तरफ। रोहित शायद यह जंगल क्रॉस ही नहीं कर पाया होगा। यानी कि सर, विशाल की तरह रोहित भी? बेस्ट होगा ऐसा ना हुआ हो, पर हालात तो ऐसा ही कुछ अंदेशा कर रहे हैं। सर, जरूर इन लड़कों के बीच में कुछ सीरियस हुआ होगा, तभी तो ये केस इतने भयंकर मोड़ पे मोड़ लिए जा रहा है। बारिश नहीं हुई होती तो विशाल की बॉडी पूरी जल गई होती मुकंदपुर के जंगलों में, और हमें कभी पता भी नहीं चलता कि यह बॉडी इस केस से जुड़ी हुई है। 16-17 साल के बच्चे, इतनी भयंकर, इतनी पेचीदा प्लानिंग। अभिजीत, देवान जंगलों में सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दो, हमारे जो हाथ लगने वाला है बहुत डरावना हो सकता है। ना जतिन सच में कुछ जानता तो नहीं है ना?
अब पुलिस वालों का भूत आप में भी घुस गया, अपने बेटे पर शक करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने कुछ गलत काम किया है, लेकिन शायद उसे कुछ पता हो पर बोल नहीं रहा हो, या फिर डर रहा हो किसी से, या उसे धमका रखा हो किसी ने। मुझे तो नहीं लगता जी, लेकिन मुझे भी उतना ही पता है जो जतिन कह रहा है। पुलिस किसी लड़की का जिक्र कर रही थी, याद करो शायद उसको लेकर कोई झगड़ा हुआ हो कभी। देखो जी, इस उम्र में लड़कियों को लेकर झगड़े होते हैं, लेकिन ये कोई झगड़ा नहीं लगता, ये तो कुछ पता नहीं क्या है। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। एक बार रोहित मिल जाए, वही सारी बात सामने लाएगा। सर आप लोग रोहित को जंगलों में ढूंढ रहे हो, पर आपको शक है कि रोहित को भी मार दिया गया है, लेकिन सर हमारा अक्षय कहाँ है? सर आप अक्षय को ढूंढ भी रहे हैं या नहीं? ये छोड़ ही दिया है उसे ढूंढना। देखिए हम रोहित को इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम अक्षय को ढूंढ रहे हैं, वही तो है इस केस की जड़, वही निकला था ना 30,000 रुपए लेकर सेकेंड हैंड बाइक खरीदने। जड़ का क्या मतलब? कहीं आपका इशारा यह तो नहीं कि इस सारे कांड के पीछे हमारा अक्षय है? इस वक्त हम अंधी गली में तीर चला रहे हैं, अभी तक हम उस लड़की को भी नहीं ढूंढ पाए हैं जिसके लिए अक्षय ने इयररिंग्स खरीदे थे, शायद इस कांड की जड़ वो, हम बस तुक्का लगा रहे हैं। सर विशाल मारा गया, रोहित को जंगलों में ढूंढ रहे, लेकिन वो दो दोस्त जतिन और आदर्श, मेरे बेटे ने साफ साफ कहा था कि वो उनके साथ ही बाइक लेने जा रहा है, आप उनसे कड़ी पूछताछ क्यों नहीं करते? सर वो दोनों झूठ बोल रहे। सर राजन जी, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है और कौन बोल ही नहीं रहा है, ये हम अभी नहीं बोल सकते। इस केस को हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, इस बात की हमें भी टेंशन है। एक ऐसा केस जिसमें 5-5 नाबालिग लड़कियां शामिल है, विश्वास कीजिए हमारा हमारी कोशिशें जारी है। अभिजीत जी, हमारी मशक्कत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं मिली है कि इन पांचों में से कोई मुकुंदपुर में देखा गया था। हाँ, इस विशाल की बॉडी को छोड़कर। ऋषि जी आप लगे रहिए, हम भी यह पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके सर जी, जो दोनों आपके सामने हैं जतिन और आदर्श, ये इयररिंग्स का राज उनके हाथ में होगा पक्का। शायद, लेकिन आशीष ये भी हो सकता है कि इन इयररिंग्स का इस केस के साथ कोई लेना देना ही ना हो। सर जी जो भी लेना देना है ना, वो इन पांचों के बीच का है, जिनमें से एक मर चुका है और दो लापता है। सर जी बात मायूसी वाली लगी, बच्चे हैं, लेकिन मेरे को पूरा डाउट है जो दोनों गायब हुए हैं, अक्षय परिहार और रोहित जसवाल, ये दोनों भी आउट ऑफ सर्किट भेजे गए हैं। जंगल के अलग अलग हिस्सों में बिखरी रही थी। मेरी प्रिलिमिनरी एनालिसिस कहती हैं इंसान की हड्डियां हैं जो जलाई गई हैं। हमें शक है कि शायद रोहित भी मारा गया है। विक्टिम की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए हमें इसके डीएनए सैंपल्स उसके पेरेंट्स के साथ मैच करके देखना होगा। मुनिलाल जी, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये जली हुई हड्डियां किसकी हैं। साहब कह रहे थे कि आप लोग हमारे रोहित को ही ढूंढ रहे थे जंगलों में। जी हाँ, क्योंकि रोहित के फोन के लास्ट लोकेशन देवान जंगल थी। अब इन जली हुई हड्डियों के डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और आप दोनों के डीएनए से मैच किया जाएगा, उसके बाद ही कंफर्म होगा कि ये जली हुई हड्डियां रोहित की है या फिर नहीं है। ये हड्डियां मेरे रोहित की नहीं हो सकती, जरूर उसे किसी ने फंसाया है, मेरा बेटा कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो फिर किसने किया रेखा जी, किसने किया ये भयंकर कांड? पुलिस का अनुमान है कि वो हड्डियां जो उन्हें मिली है वो शायद रोहित की है। हमारा अक्षय कहाँ है? कहाँ है हमारा बेटा? ये वाला कितना सुंदर लग रहा है ना। सुनिए जी, कल जो आपने बैंक से मुझे 10,000 रुपए निकाल के दिए थे, वो और मेरे गहने, लॉकर में कुछ भी नहीं है।
मुझे नहीं पता पापा, मैंने तो आज आदर्श भैया को स्कूल में देखा ही नहीं, लेकिन जतिन को देखा था, वो दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं, पर आज आदर्श भैया नहीं थे। फोन घर पर ही छोड़कर गया है। आदर्श चोरी? घर से यूनिफॉर्म पहन के निकला था। जी बलराम जी, क्या क्या गायब है लॉकर से? 10,000 रुपए और गीता के जेवर। मोल ठीक से मालूम नहीं है लेकिन कीमती थे। उस लॉकर में ज्यादातर गहने मेरे, बस कुछ भावना के। भावना, ये इयररिंग्स तुम्हारे हैं क्या? नहीं सर। तुम अपने आदर्श भैया के सभी फ्रेंड्स को जानती हो? जी मैम, पर वैसे बात बात नहीं होती है। किसी एक से भी नहीं? अक्षय के साथ भी नहीं? अक्षय के साथ तुम्हारी कोई स्पेशल दोस्ती है क्या? मम्मी ये क्या पूछ रहे हैं? वही तो मैं पूछना चाहती हूँ, कैसा बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं आप मेरी बच्ची से? पूछने का ठोस कारण है इसीलिए पूछ रहे हैं, और आप भी जानती है कि ये केस अलग मोड़ ले चुका है। बाहर में गए आप लोग और बाहर में गया आपका केस। वहां मेरा बच्चा गायब है, वो भी चोरी करके, और आप मेरी बच्ची का नाम किसी और के साथ जोड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ऐसा नहीं है गीता जी, इन इयररिंग्स का अक्षय के साथ कोई रिश्ता है जो कि गायब है। विशाल हमें मरा हुआ मिला है, और दीवान जंगल में हमें जली हुई हड्डियां मिली है जो शायद रोहित की हो सकती है। और इन हड्डियों के मिलने के ठीक 2 दिन बाद आपका आदर्श घर से जेवर लेकर कहीं भाग गया है, और हमें शक है, और शक क्या शायद ऐसा ही है कि इन 5 दोस्तों के बीच में किसी लड़की को लेकर कोई तो मसला हुआ है, जिनमें से अब सिर्फ जतिन हमारे हाथ में है। अब क्या कहोगे जतिन? आदर्श के भी 2 चेहरे हैं, जिसमें से एक तुम में से किसी ने नहीं देखा। सर मुझे क्या पता, मैं तो स्कूल में था ना। आप ये तो मेरा अटेंडेंस चेक कर लीजिए सर, और आप आदर्श से ही पूछ लीजिएगा ना जब वो मिलेगा। जब वो मिलेगा? कैसे मिलेगा? वो जैसे विशाल मिला, या शायद रोहित मिले, या फिर जैसे अक्षय मिलने वाला है वैसे। जतिन उपाध्याय, ये जो लड़के गायब हुए इनके पीछे तुम हो, राइट? हद है, आप बिना किसी सबूत के मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते, वो भी एक बच्चे पर। भारती जी, जो गायब हुए हैं वो भी बच्चे हैं, और उनमें से जो मारा गया है विशाल वो भी बच्चा था। इस केस में किसी भी बड़े का हाथ नहीं है। जो भी हुआ है इन 5 लड़कों के बीच हुआ है, और आज इसका खुलासा किए बगैर यहां से जतिन नहीं जाएगा। सर अभी तक आपने मुझे जितने भी सवाल पूछे थे मैंने उन सबका आपको सच सच जवाब दे दिया, लेकिन सर अभी आप मुझ पर जबरदस्ती का इल्जाम लगा रहे हो। आई एम सॉरी, पर मैं और बात नहीं कर पाऊंगा। मम्मी मुझे घर जाने, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है मम्मी। चलते बेटा चलो। रुकिए भारती जी। रुके हुए तो आप है सर, आप आगे बढ़िए, अक्षय और रोहित को ढूंढिए, विशाल की मौत की तहकीकात कीजिए, उस आदर्श को ढूंढिए जो अपने ही घर से गहने चुरा कर भागा है, पर इन सारे जुर्मों को मेरे बेटे के माथे थोप कर पल्ला ना झाड़िए। चलो जतिन। सर 10,000 कैश तो देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। आदर्श को ज्वेलरी बेचनी ही पड़ेगी। इलाके के हर ज्वेलर को अलर्ट कर दिया गया है। ये आदर्श घर से क्यों भागा? क्यों भागा? अक्षय भी घर से पैसे लेकर निकला, विशाल और रोहित घर से झूठ बोलकर निकले, और अभी आदर्श इतने सारे गहने लेकर निकला। एक ही पैटर्न, पर क्या है, क्यों है? सर इस आदर्श ने 10th में टॉप किया था, पढ़ाई में काफी अच्छा है, किसी भी मर्डर में इसका शामिल होना थोड़ा सा ऑड लगता है। साजिश मर्डर की है, या मर्डर साजिश का हिस्सा है, या फिर यह मर्डर साजिश फेल होने का नतीजा है। अभिजीत, इस जतिन उपाध्याय पर कड़ी नजर रखो, इसका एक एक चिट्ठा खोलो। मुझे लगता है यह लड़का अपने अंदर कुछ बंद करके बैठा है, जो बचकाने तरीके से ही सही पर कहने की कोशिश कर रहा है, दोहरी जिंदगी, 2-2 चेहरे वगैरह। इस लड़के के अंदर कोई दर्द है, कोई गहरी चोट है, जो ये शायद ना दिखाने की कोशिश करता है पर दिखता है। Thank you.
बिल्कुल नाराज नहीं होगा। जो भी जानती हो ना बताओ। पापा, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। रोहित और विशाल घर से भागे, विशाल की लाश मिली, रोहित का तो कुछ पता नहीं चला, कुछ हड्डियां मिली बस। अक्षय घर से गए, लौटा नहीं, और अब तेरा भाई आदर्श। बता बेटा, आदर्श का अक्षय और रोहित के गायब होने के पीछे क्या हाथ है? विशाल के मर्डर के पीछे क्या हाथ है? पापा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। माँ, आप बताओ ना पापा को कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ इस सब के बारे में। जतिन, आदर्श के साथ कुछ किया तुमने? अबे जतिन, आदर्श, अबे पूछोगे क्या हुआ है? क्या हुआ? अबे पापा ने बाइक के लिए 30,000 कैश दे दिया है। चल ननपुर, और भाई पार्टी को फोन करके बोल दे कि बाइक मेरी। पहले अपनी टैंक फुल कर ले, उसके बाद हम चलते हैं ननपुर। क्या बात कर रहा है, जतिन पार्टी दे रहा है? हाँ यार, कभी कभार मेरे पास भी 4 पैसे होते दोस्तों पर खर्च करने के लिए। प्लान सही बनाया तूने। अबे पर हम 5 दोस्त लोग हैं और बाइक पर सब ट्रिपल ही जा सकते हैं, अबे तफरी कैसे करेंगे हम लोग? पहले तू 2 को ड्रॉप करेगा, लौटेगा, फिर 2 को पिकअप करेगा। 2+2=4। मतलब सलीम मेरी बाइक और मैं खुद ही ड्राइवर। जैसे तुम लोग कभी बाइक वाइक लेके जानी हो ना प्राइवेटली, तो बिंदास लेके जाना। मतलब कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड घुमानी हो तो बिंदास लेके जाना। पी पी ए। ये तूने क्या कर डाला यार? तूने बोला था किडनैपिंग करेंगे, अंकल से पैसे मांगेंगे। जतिन, ये तो मर गया यार। तूने सिर्फ किडनैप बोला था पैसे कमाने के लिए। फिरौती हम अब भी मांगेंगे। यार यार, पर तूने इसे मार क्यों डाला यार? पैसे मिलने के बाद छोड़ सकते थे इसे, हमें पकड़वा देता तो। पर तूने बोला था कोई स्टोरी बना देंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसे किडनैप किया। ये स्टोरी में ट्विस्ट है, अक्षय की मौत। अब इसे वापस तो नहीं ला सकते ना, अब हमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचना है, फिरौती के पैसे, 10 लाख रुपए। पर तूने इसे मार क्यों डाला यार? ये मर्डर है यार, मर्डर। यार खैर, अब पुलिस को बोल तो दिया कि अक्षय हमारे पास आया था नंदपुर जाने के लिए, और हमने मना कर दिया, अब क्या? हमने जो भी बोला सच बोला, हम नंदपुर नहीं गए थे, घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। यार मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तूने अक्षय को क्यों मारा यार। हो गया ना यार, अभी भूल जा उस बात को, अक्षय हवा हो गया, उसे अभी कोई नहीं ढूंढ सकता। अगर अंकल को फिरौती के लिए कॉल नहीं जाएगी तो फिर पुलिस हम पर ही डाउट करेगी डेफिनेटली। विशाल और रोहित तो इनोसेंट है, बच जाएंगे, बैंड हमारी बजेगी ना यार। तो बैंड बजने दे, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, मुंह मत खोलना अपना। लेकिन अक्षय ने तो बोल दिया ना उसकी मम्मी को कि वो हमारे साथ नंदपुर। किसी ने किससे क्या बोला उसे हमें क्या मतलब, हमने अपनी बात रख दी ना। कभी ना कभी तो पुलिस को जरूर पता चलेगा और हम तक पहुंचेगी। देख जतिन, मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्री किया था पैसों के लिए, और तूने बोला था इसमें पुलिस बीच में पड़ेगी ही नहीं, हम फिरौती के पैसे मांगेंगे और अंकल चुपचाप दे देंगे, और तूने तो अक्षय को ही मार दिया। यार क्यों मारा अक्षय को? अब तू सीढ़ी की तरह लूप पर मत बचता रहे। सुन, फिरौती की कॉल जाएगी। मैं नहीं करने वाला कॉल। हाँ वो तो मैं भी नहीं करने वाला हूँ। करेगा कौन? इतना मत सोचो यार, 10 लाख के 4 हिस्से, 2.5 लाख। मैं कॉल करूंगा। गुड, पर कहाँ पैसे मांगेंगे? तुम दोनों मुकुंदपुर जाओगे और वहां से अंकल को कॉल करोगे, और फिरौती के 10 लाख रुपए वही मुकुंदपुर में लाने को कहोगे। लेकिन
पुलिस वो देखेगी ना कॉल रिकॉर्ड्स। मैं जानता हूँ, इसलिए हम अक्षय का ही फोन इस्तेमाल करेंगे ताकि पुलिस को भी यही लगे कि अक्षय ने खुद की किडनैपिंग करवाई है। हाँ रोहित बोल। यार चेतन, मुझे इस प्लान में शामिल नहीं होना है। क्यों, डर गया? हाँ, तूने जो वो 30,000 अक्षय की जेब से उठाया ना, उसमें से मुझे सिर्फ 10,000 देते, बाकी के 20 और ऊपर से फिराती वुराती सब तुम्हारे। मुझे नहीं चाहिए कोई हिस्सा विस्सा, लेकिन मुझे सिर्फ 10,000 दे दो, मैं चुप बैठूंगा, कभी मुंह नहीं खोलूंगा। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। कब दे रहा है मुझे 10,000? अभी ले ले। तेरे घर आऊँ? नहीं, अपने देवान जंगल वाले अड्डे पर। अब विशाल अकेला मुकुंदपुर जाएगा, करेगा फिरौती वाला कॉल, पूछेगा नहीं रोहित कहाँ गया। देखते पहले इस डरपोक को ठिकाने लगाते हैं। अभी अक्षय का फोन स्विच ऑन मत करना, मुकुंदपुर पहुंचने के बाद स्विच ऑन करना, और सियापुर से निकलते ही अपना फोन स्विच ऑफ कर देना। तू मुझे 3 बार बता चुका है, लेकिन अब तक एक भी बात नहीं बताया, रोहित मेरे साथ क्यों नहीं आ रहा है? अरे डर गया है वो, उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ रखा है। ठीक है, मैं मिलता हूँ उससे, हटा लेता हूँ उसे। नहीं नहीं, वो अपने पापा के साथ जरा काम से कुछ बाहर गया, सुबह मिला था मुझे, बात हुई मेरी। तो कल मुकुंदपुर से फ़ोन करेगा और परसों फिरौती लाने को कहेगा। हाँ, जो हम लेने जाएंगे नहीं, जानता हूँ। थोड़ा घुमाएंगे, थोड़ा गेम खेलेंगे, और फिर 15 को हम अंबर के टीले के पास मिलेंगे, मैं तुम और आदर्श, और फिर फिरौती पिकअप करने का एग्जैक्ट डेट और लोकेशन सेट करेंगे। एक कॉल हो गई, फिरौती नहीं ली, अब आगे का क्या प्लान है? हाँ जतिन, प्लान तो बोल। विशाल और रोहित दोनों ही अक्षय के कारण मारे गए यार, और तू बता ही नहीं रहा है कि तूने अक्षय को मारा क्यों। अक्षय का मरना जरूरी था, वरना हम पकड़े जाते। अब पकड़े नहीं जाएंगे हम, 3-3 मर्डर किया हमने। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ जतिन बचा है, उसी ने कुछ किया होगा। वो इयररिंग्स, उनका क्या? अक्षय ने किसके लिए खरीदे होंगे वो इयररिंग्स? अक्षय ने कोई इयररिंग्स खरीदे ही नहीं थी, लेकिन सबूत है पुलिस के पास। मैं दिन भर सोचते रहता हूं कि हम अपने अक्षय को कभी समझ ही नहीं पाए, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था हमें कुछ पता नहीं था। सर जी गुड न्यूज है, आदर्श जिंदा है। एड्रेस नरोलिया, यहाँ की अर्पिता लॉज में परसों से दुबक कर बैठा है आदर्श। कौन है? आदर्श हम पुलिस हैं, दरवाजा खोलो, हमारे लोग खिड़की के बाहर भी हैं, इसलिए तुम्हारा भागना फिजूल होगा, भाग नहीं पाओगे तुम। आदर्श दरवाजा खोल दो, आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुमसे।
गुड बॉय। कैसा है आदर्श? ठीक है, ला रहे हैं उसे। उससे पुलिस को कुछ बताया कि वो पैसे और जेवर लेकर क्यों गया था? चलिए कोई बात नहीं, हम पूछ लेते उसे, चलिए ना। जरूरत नहीं है गीता, उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता दिया मतलब? जतिन ने और हमारे आदर्श ने मिलकर अक्षय, रोहित और विशाल तीनों को मार डाला। हमें जो जले हुए टुकड़े मिले लाश के, वो अक्षय के हैं। हमें विशाल की जली हुई लाश मुकुंदपुर के जंगलों में मिली। बचा रोहित, उसे कहां जलाया? उसे जलाया नहीं सर, दफन किया। कहां? वहीं देवान जंगल में। भारती जी, आदर्श मिल गया है। जतिन का है? हमारी टीम रोहित की बॉडी को रिकवर करने गई है आदर्श के साथ। तुम्हें भी चलना होगा और भारती जी आपको भी। हमारे सवालों के जवाब देने के बजाय पहले अपने बेस्ट फ्रेंड आदर्श के सवालों का जवाब दो, जो वो तुमसे कब से पूछ रहे हैं कि अक्षय को तुमने क्यों मार डाला। मैंने सिर्फ किडनैपिंग के लिए यहाँ कहा था सर, लेकिन जतिन का प्लान कुछ और ही था। क्यों किया तूने सर? क्यों किया? क्यों किया सर? क्यों किया तूने सर? क्यों किया? जतिन, आदर्श के सवाल का जवाब दो। सर इन दोनों से गलती हो गई सर। शट अप सर, मेरी बात तो क्या कहिए सर। आप मेरी मम्मी को मत चिल्लाइए सर, इन सब में उनका कोई कनेक्शन नहीं है। जतिन, शुक्र मनाओ कि तुम माइनर हो। अगर बालिक होते तो पछताते कि मैं बालिक क्यों हूं। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो इन मर्डर्स के साथ ना तुम्हारी मम्मी का सिर्फ कनेक्शन है बल्कि वो बराबर की भागीदार है। Am I right, भारती जी? भारती उपाध्याय जतिन की मां, वो भी शामिल थी। आंटी आप ही पूछिए ना इससे, ये बता ही नहीं रहा है कि इसने अक्षय को सीधे मार क्यों डाला। क्यों जतिन, क्यों बेटा बोलो। भारती आंटी ने हमसे कहा कि लाश को जलाना होगा, वो आए थे हमारे साथ। पूरी बॉडी जलने तक हम वहीं खड़े रहे, फिर आंटी ने कहा बची कुची हड्डियाँ सारे जंगल में बिखेर दो ताकि कोई एक जगह पर कुछ ना मिले। रोहित प्लान में शामिल होने से मना कर रहे हैं मम्मी, ऊपर से 10,000 रुपये भी मांग रहे हैं अपना मुंह बंद रखने के लिए। उसे फिरौती के हिस्से में से 2,50,000 रुपये नहीं चाहिए, डर गए। इतना भी डरपोक नहीं है वो, तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। आज 10,000 मांग रहा है, कल 10,00,000 भी मांग सकता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी समझ रहा हूँ। अब फिरौती कैसे कलेक्ट करेंगे जतिन? बहुत बड़ी गलती की तुमने, अक्षय को नहीं मारना चाहिए था। मेरे पास कोई दूसरा चॉइस ही नहीं था मम्मी। तुम्हारे पास विशाल और रोहित का चॉइस था, उन्हें बाहर रखने का।
अब विशाल को जिंदा रखने का चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। विशाल अब बोझ बन गया हमारे लिए। किडनैपिंग प्लान था ही नहीं। था, बस ठीक से नहीं हो पाया। बोल तो ऐसे रही है जैसे सब्जी जल गई हो। सारा कसूर मेरा है। जब जतिन अक्षय का किडनैपिंग प्लान लेकर मेरे पास आया तब मैंने उसका साथ दिया, और फिर जतिन ने आदर्श को भी अपने साथ ले लिया। सरासर झूठ। सही कह रहा हूं ना जतिन, किडनैपिंग कोई प्लान था ही नहीं। प्लान था अक्षय का मर्डर, जो तुमने किया। किडनैपिंग कभी वर्क नहीं करती सर। अक्षय हमें जानता था, हम पकड़े जाते, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। किडनैपिंग तो एक बहाना था, इरादा था सिर्फ अक्षय का मर्डर। ऐसा नहीं था सर। सर, इस जतिन और आदर्श को जुवेनाइल होम भेज दिया, उसके बाद ये भारतीयों में अकेले मिलेगी। सिर्फ 2 घंटा दीजिए, सब उगलेगी। नहीं मैडम, अगर आपने मेरी मम्मी को हाथ तक लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर तुम बताओ जतिन, अक्षय का तुमने मर्डर प्लान उसकी किडनैपिंग का ड्रामा करने से पहले तय कर लिया था। अक्षय ऐसी कौन सी दोहरी जिंदगी जी रहा था जिस पर तुम्हें इतना गुस्सा था? अक्षय का ऐसा कौन सा दूसरा चेहरा था जो तुमसे देखा नहीं गया? अक्षय के दोहरेपन का उन इयररिंग्स के साथ कोई ताल्लुक था जो उसने खरीदी थी जब तुम उसके साथ थे? वो इयररिंग्स कहाँ है जतिन? ये सारा कांड उन इयररिंग्स की वजह से हुआ ना? सर, जिस आग में अक्षय जला उसी आग में मैंने वो इयररिंग्स फेंक दी। जतिन, हमें वो लड़की मिली नहीं जिसके लिए अक्षय ने वो इयररिंग्स खरीदे थे। मम्मी, मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ। बाय बेटा। बाय। अबे सीक्रेट है, बाद में बताता हूँ तुझे। कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं ना जो खुद को भी नहीं बताते। विशाल और रोहित की बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं, और जो हड्डियां हमें मिली थी जतिन और आदर्श के अनुसार वो आपके बेटे अक्षय की हैं। हमें डीएनए टेस्टिंग करनी होगी आपके सैंपल्स के साथ कंफर्मेशन के लिए। नहीं, वो जतिन झूठ बोल रहा है। मेरा अक्षय नहीं। जो सच है वो हम सबके सामने है। आपका बेटा अक्षय अभी इस दुनिया में नहीं रहा। डीएनए टेस्टिंग के बाद ये बात साफ हो जाएगी। और क्या भारतीय उपाध्याय कबूल करती है अपने गुनाह? उसने कबूल कर लिया है, पर जब उसे पता चला कि उसके बेटे जतिन ने अक्षय को क्यों मारा है वो हिल गई। उसे नहीं पता था कि जतिन को पता है। एक बात कहना चाहूंगा आप सभी मां बाप से जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, भारती भी जिसने जिंदा होने के बाद भी अपने बेटे को खो दिया है। आप सब लोग दर्द की एक ही कश्ती में सवार हैं। सब लोग हैरान हैं ये बात जानकर कि उनके बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं। हर कोई सोच रहा है कि हमसे गलती कहां हुई, क्यों हमारे बच्चों ने इतना गलत रास्ता चुना। ऐसी भी क्या जरूरतें थी उन्हें, क्या लालच था जो इस कदर जुर्म के लपेटे में आ गए।
हमने केस हल तो कर दिया है, इस केस के क्यों और कैसे वाले सवालों के जवाब सबूतों सहित फाइल भी कर दिए हैं, लेकिन वो क्यों क्यों हुआ इसका जवाब ना हम दे पा रहे हैं और ना ही बौखलाए हुए घर वाले। पापा, जरूरत थी कि इस हादसे से काफी पहले उस क्यों वाले सवाल पर गौर किया जाता, उस पर गहराई से सोचा जाता, तो शायद ये दिन नहीं आता। तो जतिन और आदर्श को जेवेनाइल होम में दाखिल कर दिया गया है, कल उन्हें और भारती को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर, अब जबकि ये केस क्लोज होने को है, हमारी खबरें फुसफुस आ रहे हैं कि ये मिसेस भारती उपाध्याय अपने सियापुर में और सियापुर के बाहर भी काफी रईस लोगों के साथ संबंध रखती थी। संबंध, लेकिन उन लोगों में से कोई भी कुछ भी बताने के लिए आगे नहीं आ रहा है। काश वो काफी पहले आगे आए होते, हम तुरंत कनेक्शन जोड़ लेते, शायद रोहित और विशाल की जान जरूर बचाई जा सकती थी। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।